बहुत बहुत मुबारक सोहम जी। सबसे पहले तो महारानी की मैं बात करूँगा, लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया, लोगों ने बहुत ही तारीफ की। अब हम महारानी टू के पड़ाव पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद महारानी जी के साथ में, जिन्होंने पूरा तख्ता पलट दिया उसी अब उनके हाथों में। आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस पहले तो ये। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से और हमें मतलब लड़कियों से बात करने की आदत थोड़ी सी कम होती है, एक शाइनेस एक ऑकवर्डनेस बहुत होती है। तो बॉम्बे आके मैं थोड़ा खुला, तो फर्स्ट जब सीज़न शुरू हुआ तो मैं थोड़ा सा अपटाइट था, सोशली मैं ऑकवर्ड हूँ थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा अपने जोन में रहता था। पर हुमा बहुत ही फन है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही वेलकमिंग है, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है हमारी दोस्ती का। तो उन्होंने एक उनके कारण हमारी एक दोस्ती बन पाई कहीं ना कहीं, और उनके साथ काम करने का तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक ऐसी एक्टर है मतलब जोक्स क्रैक करती रहती हैं सेट पर, एक माहौल बहुत ही मज़ेदार रहता है, और जैसे ही सीन शुरू होता है वो फट से रानी भारती बन जाती है। और आपका को एक्टर जितना अच्छा होता है उतने अच्छे आप होते हो, ये हमेशा है कि इट्स अबाउट रिएक्शन। तो जब भी हम सीन करते थे मतलब भारी भारी सीन है हमारे, लड़ाई झगड़े के सीन है, तो बहुत मज़ेदार रहा मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मैं, तो एक बार गलती से मेरा बर्थडे था, वो केक लाई थी, और हाँ बर्थडे मेरा था, केक वो लेकर आई थी मेरे लिए, और हम सुभाषर के यहाँ पार्टी कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा एडवांस हो जाता, मैं थोड़ा केक लगा दिया उन पर। तो फिर उसके बाद जो उन्होंने केक में नहलाया मुझे, तो मुझे मतलब पता चल गया इस लड़के से दोबारा पंगा लेना नहीं है भैया, ये मतलब वास्तव में रानी भारती है। नहीं यार, मुझे प्रेशर कभी भी फील नहीं होता एज एन एक्टर, मैं कभी भी कोई प्रेशर फील नहीं करता हूँ, चाहे कुछ भी मैं बना रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ। और बिल्कुल महारानी वन को बहुत प्यार मिला, और हमने सोचा था उससे ज़्यादा प्यार मिला डेफिनेटली। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा था कि यार अच्छा चलेगा ये शो, क्योंकि मेरे लिए ये था कि शो प्रिडिक्टेबल नहीं है, कि शो करता कुछ कमिट है, और जिसमें लोगों ने बहुत कयास लगाए थे कि ये उस पर बेस है इस पर बेस है, पर शो कहीं और ही चला जाता है कि रानी भीमा को जेल भेज देती है। और सेकंड सीज़न में भी यही है कि बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत कड़क स्क्रिप्ट है सेकंड सीज़न की, और इट्स अ ब्लॉकबस्टर शो फॉर मी, तो आई एम नॉट फीलिंग एनी प्रेशर। मेरे लिए तो कि 25 अगस्त कब आएगी, कब लोग देखेंगे शो हमारा, जो हमारी इतनी दिनों की मेहनत है कब लोगों के सामने आएगी। मुझे भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार है फर्स्ट सीजन देखने के बाद। तो मानते हैं कि भीमा से कहीं ना कहीं गलती हो गई महारानी को सीएम बनाने, गलती क्या जी, बड़ी भारी गलती हो गई, मतलब उस गलती के सुधार करने में जान निकल जाएगी, गलती नहीं हुई है, बड़ी भयंकर ब्लंडर हो गया, ब्लंडर मिस्टेक कर दिए हैं हम। अब इसका सुधार देखने को मिलेगा हमें सीजन टू में? सुधार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन को बाकी सब चीज़ें बाद में अच्छी लगती है, सबसे पहले तो कुर्सी अच्छी लगती है, खेल कुर्सी का है, तो सुधार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमारे सियाल साहब है वो भी, उन्हें भी इस कुर्सी की ताक झांक में पड़े हैं कि अब कब ये कुर्सी उन्हें मिल जाए। तो कंपटीशन महारानी के साथ साथ में तो है ही, प्लस अब सियाल साहब के साथ साथ में भी है। सियाल को तो हम देख लेंगे, उसको तो हम काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, वो उसको तो हम ढा लेंगे। अभी मेन प्रॉब्लम महारानी है हमारे लिए कि उनको कैसे वश में किया जाए। सियाल के साथ तो हमारा गेम चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो उनको हम पछाड़ते आ रहे हैं। एंड जिस तरह से मैं आपकी अगर मैं बात करी है, तो भीमा की बात की थी, सोहम जी की मैं बात करी, जिस तरह से डिफरेंट किरदार कर रहे हैं आप, इंडस्ट्री में एक कैमेलियन किरदार के आप माने जाते हैं कि जो मिल जाए उसमें उस रंग के आप ढल जाते हैं आप, तो बताइए कि कैसे देखते हैं आप, इस तरह की बातें हो रही है अब आपके बारे में, जो भी मिल जाए उस रंग में ढल जाते हैं। बहुत मज़ेदार है यार ये, मतलब एज एन एक्टर इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। और मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपको, कि मैं दिल्ली में शूट कर रहा था तो मैं बहुत टैन हो गया था, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो अभी ये महारानी का प्रमोशन शूट होने वाला था, तो मैं एक सैलून गया, और मैं ऐसे बहुत ही नॉर्मल से कपड़े पहन के जाता हूँ, तो वो जो आदमी कर रहा था उसने पूछा कि सर बहुत आपका आउटडोर का काम रहता है क्या? उसको लगा कोई सेल्स एजेंट टाइप का होगा जो बहुत इधर उधर जाता है। मैंने कहा नहीं यार, मतलब हाँ थोड़ा बहुत रहता है। तो क्या करते हो? मैंने कहा मैं एक्टर हूँ। अच्छा कौन सी फिल्म की है? मैंने कहा तुम्बाड़। अच्छा मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है सर, मेरी फेवरेट फिल्म है। कौन सा किरदार किया आपने?
तो मैं उसको क्या बताऊं कि भाई वो मेन विनायक राव मैं ही हूँ। तो मुझे जब ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो आप सरप्राइज हो जाते हो कि आपके सामने कोई है आप पहचान नहीं पा रहे हो। और मतलब ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, क्योंकि लोग मुझे पहचानते नहीं कि सोमशा कैसा दिखता है। कि अगर आप देखो शिप ऑफ थीसिस तो अलग दिखता है, अलग ही उसकी लैंग्वेज है, अलग ही सब कुछ है। तलवार तो एकदम फिट आदमी क्रू कट के साथ, तुम्बाड़ तो मुस्टैच और बॉडी, और महारानी देखो तो कुछ अलग, और आने वाले जो मेरे प्रोजेक्ट उनमें भी कुछ अलग है। एक में मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो मैं आई एम प्लेइंग अ क्लाउन, और एक फिल्म जो मैं भी शूट कर रहा था उसमें बहुत ही स्टट टाइप का आदमी है, ग्रे हेयर है। तो मुझे मेरे लिए बहुत मज़ेदार है। मुझे लगता है कि अभी मुझे चस्का लग गया है कि जब आप जैसे आप प्रोटीन शेक पीना शुरू करते हो शुरू में तो आपको लगता है बहुत गंदा है यार, कि आपको जब नए नए किरदार करते हो तो आपको लगता है कि यार बहुत ही आप अपना कम्फर्ट जोन तोड़ के जा रहे हो, कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बॉडी चेंज करना पड़ता है, एक्सेंट चेंज करना पड़ता है। पर आप धीरे धीरे प्रोटीन शेक पीने लगते हो तो आपको उसका चस्का लग जाता है, आपको लगता है कि ठीक है यार ये सही है। तो अभी मुझे चस्का लग गया कि हर बार कुछ नया लेके आऊँ, और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी मुझे लगता है हो गई है कि हर बार कुछ नया एक्सपेक्ट करते हैं लोग मुझसे। अगर मैं सोहम जी की बात करूँ, राजनीति में पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, एंड बिहार की जिस तरह से हम राजनीति देखते हैं काफ़ी उलट पलट फेर होते रहता है, हालांकि महाराष्ट्र की भी राजनीति में उलट फेर होते रहता है, तो कितना इंटरेस्ट रखते हैं सोहम जी पॉलिटिक्स में? मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ यार, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ, कि अवेयर रहता हूँ कि क्या हो रहा है देश में, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना अवेयर मुझे रहना चाहिए मैं सब चीज़ें करता हूँ, सब चीज़ें फॉलो करता हूँ। क्या हम कभी देखेंगे सोहम जी को एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए? नहीं यार, मतलब बड़ी मुश्किल से बहुत ही टफ जर्नी के बाद यहाँ पहुँचा हूँ, पहले ये काम ठीक से कर लूँ। ये मेरा पहला प्यार है कि, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि कितने लोग ये काम करना चाहते हैं। एंड आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड की बहुत ही छोटी सी जगह से आता हूँ, और मैंने मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि मैंने NSD नहीं किया, मैंने कोई FTI नहीं किया, मैंने कोई थिएटर नहीं किया। बहुत ही शाय टाइप का लड़का था, पीछे पीछे रहने वाला, कोई बोले कि स्टेज पे चढ़ जाओ तो मतलब मेरी टांगें कांपने लगे। वहाँ से एक सपना तो मतलब ये तो मतलब हमारे सेट पर वो था कि भैया सोहम का हाथ रोमांस में बहुत टाइट है, तो वो मैंने अभी प्रूव करने की कोशिश की है सेकंड सीजन में कि उतना टाइट नहीं है। तो वहाँ से आना और ये चाह रखना और यहाँ पहुँच जाना, तो अभी मैं ये काम कर लूँ ठीक से वो बहुत है। पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्टर को हमने देखा है पॉलिटिक्स फिल्में के बाद, हीरो के बाद पॉलिटिक्स में भी आए, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। नहीं नहीं, आपकी फिल्म जो है पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। नहीं, हम जब छोटे होते थे ना तो एक वर्ल्ड कप आता था, उसमें एक स्लोगन हुआ करता था कि खेल ही है हमारा जीवन, इसके खातिर कुछ कर जाएं। तो फिल्में ही हैं हमारा जीवन, इसके खातिर कुछ कर जाएं। सो चलिए, 25th को ये स्ट्रीमिंग हो रही है, जैसा कि आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, मुझे भी फर्स्ट सीजन देखने के बाद काफ़ी बेसब्री से। और इसको कुछ कहेंगे आप, ये सोहम शाह जो हमारे सामने बैठा है, जो स्टेज पे आज है, जिसे आपने बताया कि हिम्मत नहीं होती थी स्टेज पे आने की, लेकिन आज वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं यही कहना चाहूँगा कि यार बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है हमारी, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाली है, और कीवर्ड ये कि बहुत ही सरप्राइज़ करने वाली है। तो प्लीज़ देखिएगा 25th को, आपको बहुत मज़ा आएगा, कुछ अलग है, आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वैसा कुछ होने वाला है इस बार। थैंक यू, मज़ा आया आपसे बात करके।